हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में कि जो कुकिंग है वो मैंने फिर से शुरू की है एंड इट्स बीन नियरली 10 to 12 years, लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं मैंने किकिंग जो थी वो छोड़ दी थी। ताइक्वांडो जो था पहला वो मार्शल आर्ट था जिससे मैंने अपनी मार्शल आर्ट जर्नी शुरू की थी। उसके बाद बहुत सारे और मार्शल आर्ट सीखे और आप चैनल्स पे देखते होंगे बाकी चीज़ें। तो फिर से मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ ताइक्वांडो की, और उसमें जितनी किकिंग्स इम्प्रूव हो सकती है, पहले तो बहुत अच्छी किकिंग होती थी। और यही होता है अगर आप किसी स्किल को छोड़ देते हैं किसी टाइम के लिए तो डेफिनेटली आपको वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैंने फिर से शुरू की है अपनी किकिंग। बहुत छोटा सा एक ब्लॉग है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मार्शल आर्ट जर्नी। और इसी के साथ में आज जो मैंने प्रैक्टिस की है वो है बैक किक की। और मैं थोड़ा सरप्राइज भी था इस बात के लिए कि लगभग 10 साल बाद मैंने फिर से किकिंग जब शुरू की तो जो बैक किक थी वो मुझे अभी भी सेटिस्फाइंग थी कि मीन्स मैं किक कर पा रहा था। और साथ ही साथ मेरा जो बैलेंस था वो ठीक था, बहुत बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बैक किक हुई और सही जगह पे लैंड भी हुई है। और लैंड होने के साथ साथ में ज़मीन पर वापस जब आता है, इसे अगर आप शुरुआत में जो लोग ट्राई कर रहे होंगे उन्हें समझ में आ रही होगी मेरी बात। जब हम शुरुआत में इसे ट्राई करते हैं तो होता क्या है कि हम हवा में जब ऊपर हमारे पैर होते हैं तो हम ज़मीन में जब लैंड करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर हम गिरते हैं। काफ़ी बार ट्राई किया था, जब मैंने शुरुआत की थी तो इस किक को सीखने में मुझे 8 से 10 दिन लग गए थे बस इसका बेसिक्स सीखने में। और वो टाइम था आपका 2007-08 का टाइम था, जब मैं 11th 12th में, तो मैंने ये किक तब सीखी थी। अब इस ये जितनी किक्स मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे बैक किक हो गई या आपकी राउंड हाउस किक्स हो गई, हुक किक्स हो गई, बैक हुक किक हो गई, तो ये सारी किक्स मैंने दोबारा शुरू की है और स्ट्रेचिंग भी दोबारा शुरू की है। क्योंकि बाकी जो मार्शल आर्ट्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग का अपना फ़ायदा है, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से स्ट्रेचिंग नहीं की थी। फुल स्प्लिट पहले हो जाती थी, अब नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं फिर से उसे गेन कर रहा हूँ। आई एम 35, मेरी एज अभी 35 है। और जो मुझसे छोटे हैं वो लोग आप ट्राई कर सकते हैं और चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। 35 की एज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, बट अगर हम हार ना माने और करते रहें तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ अचीव की जा सकती है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ छोड़ दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ साथ में सीखना शुरू कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं शेयर करूंगा कल की जर्नी कि कल हम क्या करते हैं और किस तरह की हम प्रैक्टिस करेंगे मॉर्निंग में और अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ब्लॉग जो होते हैं थोड़े ब्लरी हो जाते हैं, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइम पे जो भी हम करते हैं उसे मैं शूट करने की कोशिश करूँगा, मॉर्निंग की चीज़ें भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।